हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स इकोनॉमिक सेक्शन पे ये हमारा फिफ्थ मॉक टेस्ट है अगर आपने बाकी मॉक टेस्ट एंड सुपर क्रैश कोर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं उनको आप जरूर देखिएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए हैं लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी आज मैं टोटल थर्टी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा जिनका आपको आंसर करना है और टॉपिक्स हमारे पास है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया 25 25 प्लानिंग मार्केट तो बिल्कुल सेफ है यानी ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रिपेयर हैं चलिए स्टार्ट करते हैं एंड एक रिक्वेस्ट आपसे मैं करता हूं प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा लाइक like करने से आपको कोई भी लॉस नहीं होगा और एंड पे आपने अपने मार्क्स जरूर लिखने हैं पहला क्वेश्चन आपके पास है इन विच एयर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एक्स फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह बताओ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज कब इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में तो यहां पे करेक्ट आंसर है इन द ईयर 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन मींस ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी या इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स या इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक वर्ल्ड इकोनॉमी या इंटीग्रेशन ऑफ लेबर एट ग्लोबल लेवल जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा तो यहां पे करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकॉनमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लिबरलाइजेशन इन द इकोनॉमी। इन में से कौन सी स्टेटमेंट डिफाइन करती है लिबरलाइजेशन इन द इकोनॉमी? जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा पहला हमारे पास है रिमूवल ऑफ बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय बाई गवर्नमेंट या कस्टम्स ड्यूटी हाइक या रेजिंग द प्राइस ऑफ गुड्स फॉर कंज्यूमर्स क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज पब्लिक सेक्टर कंपनी सो दैट दे परफॉर्म बेटर देन द प्राइवेट सेक्टर तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वह है फर्स्ट ऑप्शन दैट इज रिमूवल ऑफ बैरियर आर रिस्ट्रिक्शन सेट बाई द्वेश्चन नेम दर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा अक्सर बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो रहे हैं बताओ दो ऑप्शन है या तो ये या आपके पास ये ऑप्शन है जल्दी से आंसर कीजिएगा तो यहां पे अक्सर बच्चों का जो आंसर है वो मनमोहन सिंह आ रहा है ये आपका रॉन्ग आंसर है करेक्ट आंसर है पीवी नरसिम्हा राव यानी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर विच ऑफ फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कंपलसरी बताओ इन में से कौन सी इंडस्ट्री या इंडस्ट्रीज आती हैं अंडर लाइसेंसिंग जल्दी से आंसर कीजिएगा फर्स्ट ऑप्शन है डिस्टिलेशन एंड ब्रिविंग ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स रेलवे ट्रांसपोर्ट एटॉमिक एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन यानी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट ठीक है बिकॉज जो एटॉमिक एनर्जी है और रेलवे है ये तो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए है यहां पे तो प्राइवेट प्लेयर है ही नहीं यानी दीज टू आर रिजर्व फॉर पब्लिक तो यहां पे लाइसेंस का कोई चांस ही नहीं है और ये भी रिमूव कर दी गई है अंडर द कंपल्सरी लाइसेंसिंग ठीक है यहां पे मैंने डिटेल में लिखा है लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर तो यहां पे है एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट ओके उसके बाद यहां पे है लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर विच इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इज कंपल्सरी ये जो पहला यहां पे है डिस्टिलेशन एंड ब्रिविंग ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक इसको भी आप निकाल दिया गया है अगर यहां पे पढ़ोगे जो प्रेस रोट प्रेस नोट रिलीज हुआ था 2019 में तो यहां पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है ओनली फॉर दी फॉलोइंग फोर इंडस्ट्रीज आर कवर्ड अंडर कंपलसरी लाइसेंसिंग अब सिर्फ ये चार इंडस्ट्रीज आती हैं किसमें कंपलसरी लाइसेंसिंग में ठीक है वो है सिगार्स एंड सिगरेट्स ऑफ तबक्को एंड मैन्युफैक्चर्ड तबक्को सब्सटीट्यूट एक ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट दूसरे नंबर पे इंडस्ट्रियल एंड एंडस केमिकल्स सिर्फ यही चार इंडस्ट्रीज हैं अंडर कंपलसरी लाइसेंसिंग अब ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंपटीशन एक्ट 2000 थाउजेंड इज द रिप्लेसमेंट ऑफ विच ऑफ दल्दी से बताओ कॉम्पिटिशन एक्ट टू ने कौन से एक्ट को रिप्लेस किया तो यहां पर है एम एक्ट ठीक है अब आपके लिए यहां पे क्वेश्चन है इसकी फुल फॉर्म क्या है कमेंट करके मुझे फटाफट से बता दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दी फॉलोइंग फाइव एयर प्लांट इज नॉन फॉर इंट्रोड्यूसिंग वेरियस फिजिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग लिबरलाइजेशन बताओ एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन कौन से फाइव ईयर प्लान को जाना जाता है फॉर इंट्रोड्यूसिंग वेरियस फिजिकल रिफॉर्म्स एंड साथ में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है एथ फाइव ईयर प्लान नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ बी फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स डिस इन्वेस्टमेंट इन में से कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करती है डिस इन्वेस्टमेंट को जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा तो यहां पे करेक्ट आंसर है सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स टू प्राइवेट कंपनीज यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया वाज अनाउंस्ड इन बताओ फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब हुई थी अनाउंस इंडिया में तो यहां पे करेक्ट आंसर है इन द ईयर 1948 द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ इंडिया इज नॉन एज जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा अब आपको यह तो पता चला कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन दर नाइनटीन में आई थी अब आपने उसका नाम बताना है तो यहां पे करेक्ट आंसर है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 यानी सेकंड ऑप्शन इज दिटेल में लिखा है काफी इंपॉर्टेंट है आप इसका यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन द द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 वाज इन ऑर्डर टू अचीव एम ऑफ अ सोशलिस्टिक स्टेट विद गवर्नमेंट कंट्रोलिंग द मेजर स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज ऑफ द इकोनमी अकॉर्डिंग टू दिस रेजोल्यूशन इंडस्ट्रीज वर क्लासिफाइड इन बताओ अब जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में आया था इसका मेन मकसद था इन ऑर्डर टू अचीव द एम ऑफ सोशलिस्टिक स्टेट यानी ज्यादातर कंट्रोल किसके पास था गवर्नमेंट के पास था तो अकॉर्डिंग टू दिस रेजोल्यूशन इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया था कितनी कैटेगरीज में जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा तो यहां पे करेक्ट आंसर है थ्री कैटेगरीज ठीक है और यहां पे मैंने इन कैटेगरीज के बारे में फुल डिटेल में लिखा है इसको आप जरूर पढ़िएगा विच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ लिबरलाइजेशन बताओ करेक्ट डेफिनेशन ऑफ लिबरलाइजेशन इट इज द प्रोसेस बाय दि एन इकॉनमी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर वन टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड क्या यह इसकी डेफिनेशन है या इट इज अ पॉलिसी दैट फोकस ऑन द बूस्टिंग ऑफ गवर्नमेंट लॉज एंड रिस्ट्रिक्शंस इन ऑर्डर टू एनकरेज ग्रेटर पार्टिसिपेशन बाई दब्लिक एंटिटीज या इट इज अचुएशन वेयर देयर इज अगल सेलर इन दार्केट या इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कंट्रोल सिस्टम इन ऑर्डर टू एनकरेज इकोनॉमिक डिवेलपमेंट तो यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच एयर वॉज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बेस्ड ऑन मिक्सड इकोनॉमी प्रिंसिपल अनाउंस्ड इन इंडिया बताओ फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपने बतानी है बेस्ड ऑन मिक्सड इकोनॉमी प्रिंसिपल मिक्सड इकोनॉमी बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट यहां पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू दैट इज इन द ईयर 1948 एंड जो 1956 है इसको जाना जाता है कोटा एंड परमिट के लिए ठीक है यहां पे आ, सोशलिस्टिक ज्यादा आया था इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में नेक्स्ट क्वेश्चन लाइसेंस बताओ 1991 में लाइसेंसिंग खत्म हुई थी लेकिन फिर भी कुछ इंडस्ट्रीज रही थी कंपलसरी लाइसेंसिंग सबसे पहले आप आंसर करो कितनी इंडस्ट्रीज थी वो और कितनी इंडस्ट्रीज रिजर्व रही थी पब्लिक के लिए दोनों का आंसर आपने कमेंट करके मुझे बताना है थर्ड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ एलपीजी की फुल फॉर्म जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा एलपीजी की फुल फॉर्म तो यहां पे है लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन यानी थर्ड ऑप्शन इज क्वेश्चन लाइसेंस परमिट कोटा राज राजिस्ड इन विच बताओ कब ये अबॉलिश हुआ था तो ये हुआ था इन द ईयर 1991 और इसकी जगह ली थी एलपीजी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लैंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया इन डैश डैश विद द इंसेप्शन ऑफ द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान बताओ प्लैंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया में कब स्टार्ट हुई यानी फर्स्ट फाइव ईयर प्लान आपने बताना है कब से स्टार्ट हुआ था तो यहां पे करेक्ट आंसर है इन द ईयर नाइनटीन फिफ्टी वन और यहां पे मैंने फर्स्ट फाइव ईयर प्लान के बारे में डिटेल में लिखा है इंपॉर्टेंट है आप इसको जरूर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मिक्सड इकोनॉमी मीन्स एन इकोनॉमी वेयर बताओ मिक्सड इकॉनमी का क्या मतलब है तो यहां पे करेक्ट आंसर आएगा देयर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अलॉन्ग विद प्राइवेट सेक्टर जहां पे पब्लिक सेक्टर भी हो एंड प्राइवेट सेक्टर भी हो यानी सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन डज़ ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन बताओ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री किसके ऊपर तो आएगा ऑल ऑफ द्वेशन विच ऑफ दर देश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंडर डेवलप कंट्रीज बताओ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंडर कंट्रीज, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर बिल्कुल जैसा कि इंडिया में भी है लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बिल्कुल करेक्ट पोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड मास पॉवर्टी ये भी सही है अब आपके पास फोर्थ ऑप्शन है एक्सप्लाइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सिस एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर अब जो अंडर डेवलप कंट्रीज है अगर आप देखोगे अफ्रीकन कंट्रीज वहां पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस पाए जाते हैं लेकिन वो उनको एक्सप्लायट ही नहीं कर पाते हैं उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है तो ये आपके पास नहीं आएगा यानी ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यानी आपके पास first, third, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यानी फर्स्ट ऑप्शन इज आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताओ इन में से कौन सी स्टेटमेंट एक्सप्लेन करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व बिल्कुल ये करेक्ट है इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द बेस्ट इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज प्रोवाइडेड बाय बताओ एनमें से कौन सा बेस्ट इंडेक्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का तो यहां पे करेक्ट आंसर है ग्रोथ इन पर कैपिटा रियल इनकम फ्रॉम एयर टू ईयर यानी सेकंड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर एक और चीज आपको याद रखनी है जो हमारे पास वर्ल्ड बैंक है वर्ल्ड बैंक ने 1989 में कंट्रीज को चार ग्रुप्स में डिवाइड किया लो इनकम लोअर मिडिल इनकम अपर मिडिल इनकम हाई इनकम और क्या इस्तेमाल किया वर्ल्ड बैंक ने इस्तेमाल किया जी एन आई यानी ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा ठीक है जी एन आई पर कैपिटल याद रखना है और यही अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे अगर ये आपके पास है तो इसको सबसे बेस्ट इंडेक्स माना जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इन टू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बताओ हम क्लासीफाई करते हैं पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर किसके बेसिस पे एंप्लॉयमेंट कंडीशन या इकोनॉमिक एक्टिविटी या ऑनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस या नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द एंटरप्राइज जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा तो यहां पर आएगा ऑनरशिप ऑफ एंटरप्राइज नेक्स्ट क्वेश्चन इन इकोनॉमिक्स लेजे फेयर मींस बताओ लाइजिस क्या होती है यह होती है द स्टेट डो नॉट इंटरफेयर इन द इकोनोमी यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सिस्टम इज फॉलोड बाय इंडिया बताओ इंडिया में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है कैपिटलिस्ट है सोशलिस्ट है या मिक्स्ड है या इनमें से कोई भी नहीं है तो यहां पे है मिक्स्ड इकोनॉमी टेक ऑफ स्टेज इन एन इकोनॉमी मींस बताओ ग्रोथ का एक कॉन्सेप्ट है टेक ऑफ स्टेज इन एन इकोनॉमी का क्या मतलब है तो यहां पे है स्टेडी ग्रोथ बिगिंस यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर यहां पे मैंने राष्ट्रो स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इनको यहां पे लिया है काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको आप एक बार जरूर पढ़िएगा रॉस्टो ने फाइव स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट दिया और काफी पॉपुलर कॉन्सेप्ट है पहला हमारे पास है ट्रेडिशनल सोसाइटी इसकी यहां पे डिटेल लिखी है प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ टेक ऑफ ड्राइव टू मैच्योरिटी एंड एज ऑफ मास कंजप्शन इनकी यहां पे साथ में डिटेल लिखी है ऑलरेडी मैंने इसको समझाया भी है इसको आप एक बार फिर पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर दी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज बताओ इन में से कौन सा कॉमन uh, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज का लो पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये नहीं है डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी ये तीन है सिर्फ हमारे पास यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज स्टिल कमांड इकोनॉमी बताओ इन में से कौन सी कंट्री में स्टिल अभी भी कमांड इकोनॉमी मॉडल है तो यहां पे है चाइना नेक्स्ट क्वेश्चन द गिवन स्टेटमेंट स्टेट द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बताओ जरा मुझे आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या डिफरेंस है कौन सी यहां पे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो इकोनॉमिक ग्रोथ इज सिंगल डायमेंशनल वेयर एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ग्रोथ में हम सिर्फ आउटपुट की बात करते हैं कि आउटपुट बढ़ेगा ठीक है वेयर एज जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है यहां पे हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी देखते हैं पर पर्सन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे हम देखते हैं और बहुत सारी चीजें कंसिडर की जाती हैं। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजरेबल बट इकोनॉमिक डिवेलपमेंट कैन नॉट बी प्रिसाइजली मेजर्ड बताओ क्या यह स्टेटमेंट करेक्ट है बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है अब जब आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा तो हमें ग्रोथ पता चल जाएगा कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है पूरी अच्छी तरीके से बिकॉज अगर हम पर कैपिटा इनकम निकालेंगे फिर भी हमारे पास एग्जैक्ट नहीं आएगी अब पर कैपिटा इनकम फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया की निकालेंगे कि हर एक आदमी के पास वन थाउजेंड रुपीज है एक मंथ में वो वन थाउजेंड रुपीज अर्न करता है लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक लाख रुपए अर्न करेंगे और कुछ ऐसे होंगे जिनके पास वन थाउजेंड भी मंथ का नहीं आएगा तो यहां से हमें एग्जैक्ट यहां पे नहीं पता चलता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का तो दोनों स्टेट में यहां पे करेक्ट है यानी फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर और यहां पे मैंने इसके बारे में डिटेल में लिखा है नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन महलानोबिस प्लान मॉडल एडॉप्टेड इन इंडिया इन द मिड फिफ्टीज एम्ड एट बताओ जो महलानोबिस ग्रोथ मॉडल इंडिया ने अडॉप्ट किया था मिड फिफ्टीज में उसका मेन एम क्या था तो यहां पे है सेटिंग अप हैवी इंडस्ट्रीज विच वर कैपिटल इंटेंसिव यानी सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर यहां पे हमारा जो मॉक टेस्ट है वो हो जाता है खत्म अब आपने कितना स्कोर किया वो आप जरूर लिखिएगा ताकि आपको एक दूसरे की प्रेपरेशन का पता चले इससे आप और ज्यादा प्रिपेयर करोगे ठीक है तो जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा